हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू बैक अगेन टू माय चैनल दिव्यानी बायोलॉजी। तो आज के इस सेशन के अंदर हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा क्लास 10th बोर्ड्स का लाइफ प्रोसेसेस का सीरीज। जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पे मैं आपके साथ ले रही हूँ क्लास 10th का सपोर्ट मटेरियल, जिसके थ्रू हम क्विक रिविजन कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट हम बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन टोटल हम कवर करने वाले हैं। अलॉन्ग विद दैट हम ट्रांसपोर्टेशन को भी प्रॉपरली कवर करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि सर्कुलेशन की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो दोनों टॉपिक्स को हम अच्छे से यहाँ पे क्विकली रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्ट। चलिए बात करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन से पहले दो टर्म्स हमें ध्यान में रखनी है। आपके पास लिखा हुआ है ऑलरेडी ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, इन दोनों में फर्क क्या है। ब्रीदिंग का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यानी कि सांस अंदर लेना जिसमें हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और रिलीज करना CO2। ये दो टर्म्स हमें यहाँ याद रखना। वेरे जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेक डाउन हम कर रहे हैं, यानी कि सिंपल फूड को तोड़ रहे हैं ताकि हम क्या मिल जाए, हमें एनर्जी मिले। कहाँ मिले? सेल, क्योंकि सेल के अंदर ये हो रहा होता है काम सारा का सारा, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड होगा इसलिए हो रहा है, टू रिलीज दी एनर्जी, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ग्लूकोज का जो टूटना होता है, जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, वो बहुत अलग अलग तरीकों से होता है। सबसे पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, C6H12O6। ठीक है, 6 कार्बन का कंपाउंड है, यहाँ 6 से हमें पता चल ही रहा है। ये साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस होता है। ठीक है, इसको जो ये दिख रहा है आपको, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है जिसके अंदर ये टूट जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल ऑफ द पाइरूवेट। ठीक है, पाइरूवेट या पाइरूविक एसिड एक ही बात है, आपने कंफ्यूज नहीं होना अगर क्वेश्चन में पाइरूवेट लिखा गया तो, साथ में एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, अब इसके बाद 3 केसेस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। पहला केस है कि जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं। दूसरा केस की लैक ऑफ ऑक्सीजन, कि कम है। तीसरा केस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमेशा कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप क्या जानते हो? कि ये एक पावर हाउस ऑफ सेल है। पावर हाउस ऑफ सेल इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सबसे ज्यादा अमाउंट में ATP प्रोड्यूस कर रहा है। सबसे ज्यादा अमाउंट में ये ATP प्रोड्यूस कर रहा है। तो एटीपी यहाँ पे कितनी प्रोड्यूस हो रही है? यहाँ पे 30 ATPs प्रोड्यूस हो रही है। 30 ATPs यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। ATP क्या है? ATP इज नथिंग बट इट इज ATP इज योर हम रेड पेन से लिख लेते हैं, ATP इज योर एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, 3 फॉस्फेट इस पे लगे होते हैं। जब ये ATP टूटता है तो ये ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में अलग हो जाता है, वो होते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, तो आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है, ATP कभी भी क्यों टूटेगा? ATP कभी भी इसलिए ही टूटेगा क्योंकि उसने कुछ एनर्जी हम प्रोवाइड करनी है सेलुलर एक्टिविटीज को कराने के लिए। जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है, सेल को भी तो अपना जिंदा रहने के लिए बहुत सारे काम करने हैं ना, जैसे हमारे ऑर्गन सारे काम कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं, ऐसे सेल सेल के अंदर अपने खुद के ऑर्गेनिज्म सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं वेरियस, जिसके लिए उसको एक्टिविटी कराने के लिए ATP की जरूरत है, यानी कि एनर्जी की जरूरत है। तो ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ अवर बॉडी, इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ अवर बॉडी। सबसे ज्यादा कहाँ बनता है, क्वेश्चन आएगा, सबसे ज्यादा ATP कहाँ बनता है? वो बनता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल हम बोलते हैं। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। कमिंग बैक टू दिस, इस पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे रेस्पिरेशन के साथ इन्होंने दो टर्म्स दे दी कि एरोबिक रेस्पिरेशन भी है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, उससे पहले हमने एक चीज कवर नहीं करी है, ये देख लेते हैं पहले। देखो, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी कि जब ऑक्सीजन है ही नहीं, उस केस में क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं? ये सारे आपके प्रोडक्ट्स हैं, तो ये बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में आपका इथेनॉल बनता है जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड है, CO2 रिलीज होता है और साथ में एनर्जी बहुत ही कम मात्रा में रिलीज होती है। जब मसल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन में काम होता है, जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रीनस एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, ये टर्म आपको एज इट इज क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। जब आप स्ट्रीनस एक्सरसाइज करते हैं, उस केस के अंदर व्हाट हैपन कि वहां पे मसल्स में लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, साथ ही में एनर्जी भी रिलीज होती है, यानी कि कम एनर्जी रिलीज होती है। लैक्टिक एसिड जो होता है वो 3 कार्बन का कंपाउंड है दोबारा। फिर बात होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया में हमने देखा था कि बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही थी, उसी के साथ साथ में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज होता। तो ये सारे जो बाय प्रोडक्ट्स की मैंने यहाँ नीचे बात कर रही हूँ मैं, ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको याद होंगे, जो भी मैंने हाईलाइट कर दिया है, इन सब पे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। मसल्स में कहाँ हो रहा है, लैक्टिक एसिड कहाँ फॉर्म होता है? मसल्स में फॉर्म होता है। कब फॉर्म होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन के केस में फॉर्म होता है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे घूम घूम के आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आप रिवाइज कर रहे हैं, टू द पॉइंट रिवाइज कीजिए, पॉइंट्स को दिमाग में रखिए एंड कोशिश कीजिए साथ साथ आप लिखते रहें।
जो मैं आपको पॉइंटर्स इसके साथ साथ लिखवा रही हूँ, यू कीप राइटिंग देम इन योर नोट्स. वेरी गुड. ओके, कमिंग बैक टू दिस, रेस्पिरेशन में एरोबिक भी है एनारोबिक. एरोबिक का हमें पता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है. सबसे पहला डिफरेंस का पॉइंट आपका यही बनता है. बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, साइटोप्लाज्म में क्या होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन. आई विल मार्क इट हियर. एंड प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं एरोबिक में, CO2 और H2O. वेरा साइटोप्लाज्म में क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा या फिर लैक्टिक एसिड. एल्कोहल इथेनॉल एक ही बात है, यहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज. यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बिल्कुल पेपर में आ सकता है, एमसीक्यू के फॉर्म में, क्वेश्चन रीजनिंग के फॉर्म में, डायरेक्ट 2 मार्क का क्वेश्चन आराम से. ठीक है, आगे चले. मूविंग ऑन, अब हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की. हमारा जो पैसेज है, सबसे पहला टर्म जो जहाँ से हवा अंदर जाती है हमारे शरीर में, वो हमारे नॉस्ट्रल्स हैं, जो होल्स होते हैं हमारे नोज में. ठीक है, फिर नेजल पैसेज आ जाएगा. नेजल पैसेज के अंदर हमारी नेजल कैविटी, वो जो खाली जगह है नोज के पीछे. ठीक है, फिर आपका फेरिंग्स आता है, पीछे फेरिंग्स, फिर आपका लैरिंग्स आ जाता है, फिर आपका ट्रैकिया आ जाता है. ट्रैकिया आपका विंड पाइप को कहा गया है ना. यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन और ध्यान में रखना है, क्या जो विंड पाइप होता है ये कवर्ड होता है सी शेप्ड के कार्टिलेजिनस ट्यूब्यूल से. ठीक है, सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग होती है यहाँ पे. अभी जो कार्टिलेजिनस रिंग्स क्यों होती है, दे प्रोटेक्ट फ्रॉम कोलैप्सिंग, दे प्रोटेक्ट अवर ट्राकिया फ्रॉम कोलैप्स, कोलैप्स होने से उसको तो बचाने का काम कर रही होती है. तो ये भी एक क्वेश्चन बन गया इंपॉर्टेंट. यस, नाउ देन कम्स दी ब्रोंकाई. राइट, ब्रोंकाई फर्दर टूटता है ब्रोंक्यूल्स में. ब्रोंक्यूल्स के बिल्कुल एंड में हमारे पास में बहुत छोटे छोटे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं. ये एल्वियोलाई एक्चुअल क्या बोलते हैं, साइट है एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्चुअल साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस. ये फर्दर कनेक्टेड होते हैं ब्लड कैपिलरीज के साथ. ये ब्रोंकाई से लेके ब्लड कैपिलरीज तक का जो सारा रीजन है, ये सारा लंग में प्रेजेंट होता है. ऊपर का जितना भी आपने सारा देखा, ये सारा कंडक्शन पाथवे. ठीक है, ये सारा कंडक्शन पाथवे को कवर कर रहा है. ठीक है, तो अब हम आगे चल रहे हैं. राइट, ओके, सो कंटिन्यू कर रहे थे हम ये वाला टॉपिक. सो नेजल कैविटी एज यू कैन ऑल सी. ठीक है, फेरिंग्स हमारा इसे प्रेजेंट है, ये तो हमारा माउथ बफल कैविटी होता है. देन हमारे यहाँ पे लैरिंग्स, जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स बोलते हैं. ठीक है, देन आपका आ जाता है विंड पाइप, विच इज योर ट्रेकिया. यहाँ पे आप कार्टिलेजिनस रिंग देख रहे हैं. राइट, हाय एवरीवन, आई वेलकम यू बैक अगेन टू माय चैनल दिव्यानी बायोलॉजी. सो ओके, सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने इस टॉपिक के साथ बिना टाइम वेस्ट के. लेट्स गेट स्टार्टेड. इसके बारे में हम लास्ट क्लास भी डिस्कस कर चुके हैं, बट एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं. क्या क्या पार्ट्स हमने पढ़े थे, हमने नेजल कैविटी की बात की थी, फेरिंग्स की बात की थी, देन लैरिंग जो कि वॉइस बॉक्स होता है. ठीक है, फिर हमारे पास ट्रैकिया है. राइट, अब जैसे ही ट्रैकिया आएगा, ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं. ब्रोंकाई की जो फर्दर ब्रांचेस होती है उनको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं. तो पहले लंग्स आए, लंग्स के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स, एंड देन आपका आता है एल्वियोला, विच इज द एक्चुअल साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एंड ये मसल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो हमारे थोरैक्स रीजन में प्रेजेंट होती है. तो हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम प्रेजेंट, डायफ्राम बोलते हैं. ठीक है, जो कि हमारी जो है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कराने में जो मैकेनिज्म हमारे ब्रीदिंग का, उसमें हमारी बहुत मदद करती है. ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देख लेते हैं. देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इनहेलेशन में कौन इन्वॉल्व है, एक्सहेलेशन में कौन इन्वॉल्व है. तो जो टर्म्स अभी आपको ध्यान रखनी है उसके बारे में बात करूंगी. जब आप इनहेल करते हैं, जो हमारी थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी कौन सी होती है, यहाँ देख लीजिए, ये जो पूरा रीजन आपको दिख रहा है. ठीक है, ये पूरा हमारा थोरेसिक कैविटी का रीजन ही है, ये सारा हमारा थोरेसिक कैविटी का रीजन ही माना जाता है. ठीक है, तो इसकी चेस्ट कैविटी हो गई मेरे एक तरीके से. राइट, दिस इज योर चेस्ट कैविटी. ये एक्सपैंड करती है, यानी कि ये फूल जा रही है. जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आपका पेट बाहर आना चाहिए और आपकी चेस्ट बाहर की साइड चली जाती है, तो आपके रिब ऊपर की तरफ लिफ्ट होते हैं. ठीक है, आप इसको प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हो. डायफ्राम बिल्कुल फ्लैट हो जाता है. डायफ्राम क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है. तो ध्यान से आपने 4 बातें ध्यान रखनी है. सबसे पहला, जब आपने इनहेल किया तो थोरैसिक चैम्बर मेरा बाहर की तरफ एक्सपैंड हो जाता है, रिब्स बाहर आ जाती है, डायफ्राम मेरा फ्लैट हो जाता है. और ऑब्वियसली जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तो हमारे अंदर लंग्स में हवा भर रही है, तो लंग्स की वॉल्यूम बढ़ जाएगी और एयर लंग्स में एंटर कर जाएगी. उसका उल्टा एक्सहेलेशन होगा. एक्सहेलेशन जब सांस आप बाहर निकाल रहे हो, जब आप CO2 रिलीज आउट कर रहे हो, तो थोरैसिक कैविटी क्या करेगी, अपन कॉन्ट्रैक्ट करेगी. पहले एक्सपैंड कर रही थी, रिब्स अंदर की तरफ आ जाएंगे, डायफ्राम डोम शेप का हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी और एयर बाहर जाएगी. अब यहाँ पे एयर बाहर जो जा रही है, यहाँ पे एक पॉइंट आप ध्यान रखोगे, एयर बाहर क्यों जा पा रही है. एयर बाहर इसलिए जा रही है क्योंकि देखिए, जो एयर होती है वो हमेशा हायर टू लोअर प्रेशर ट्रेवल करेगी. ठीक है ना, हायर टू
लोअर प्रेशर ट्रेवल होता है। तो अगर बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर एयर ज्यादा प्रेजेंट होगी तो वो कहाँ जाएगी, लंग्स में जाएगी, और जब लंग्स में एंटर करेगी तो वहां पे उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से बोलते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एयर जो होती है वो एग्जिट करती है लंग्स को, और वॉल्यूम उस टाइम पे क्या होगी, ऑब्वियसली कम हो जाएगी अंदर और बाहर ज्यादा चली जाएगी। फिर हम दोबारा से इनहेल करेंगे तो लंग्स में फिर से वॉल्यूम कैपेसिटी बढ़ जाएगी और एयर एंटर कर जाएगी हमारी लंग्स। तो ये जो मैकेनिज्म आपको यहाँ दिखाया जा रहा है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बन सकता है 3 मार्क्स। तो जो की पॉइंट्स मैंने मार्क करे हैं वही आपने ध्यान रखने हैं, उन्हीं पे आपने अपना वर्कआउट करना है, रिविजन करना। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक और डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है, देखो नॉस्ट्रिल की बात हमने की थी, राइट, नेजल पैसेज, देन फेरिंग्स है, लैरिंग्स है हमारे पास में, ब्रोंकस इसको ही बोलते हैं, ठीक है, फिर ब्रोंकियोल्स जो फर्दर ब्रांचेस है, इसके अंदर आपको यहाँ पे सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये वाले, इनको एल्वियोलर सैक्स बोलते हैं। नेजो कार्टिलेज हम बात कर चुके हैं, ट्राकिया मिड पाइप बात कर। अब जब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की बात हो रही थी तो हमने क्या देखा था कि रिब्स के लिफ्ट अप है ना, तो रिब्स लिफ्ट अप हो रही है, लंग इन्फ्लेट कर रही है। लंग्स इन्फ्लेट का मतलब क्या होता है, लंग्स इन्फ्लेट का मतलब वहां पे वॉल्यूम एयर की, वॉल्यूम ऑफ एयर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो लंग्स इन्फ्लेट का मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ एयर इंक्रीज हो रही है। डायफ्राम देखो यहाँ पे फ्लैट हो गया इधर, ठीक है, तो जब हमने इनहेलेशन किया तो सबसे पहला पॉइंट रिब्स लिफ्ट अप, ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका जो लंग्स है वो इन्फ्लेट करेंगी, इन्फ्लेट का मतलब बेटा कि हवा भर गई, ठीक है, तीसरी चीज क्या हो रहा है, डायफ्राम जो है हमारा, तो डायफ्राम नहीं बोलते, डायफ्राम बोलते हैं, ये फ्लैट हो जाता है, ठीक है, और क्या होता है हमारा साथ यहाँ पे, थोरासिक कैविटी एक्सपैंड हो जाता है। ठीक है जी, तो ये आपने ध्यान में रखना, राइट, दिस इज ऑल व्हाट वी नीड टू कीप इन माइंड, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो एक्सहेलेशन इसका उल्टा हो जाएगा। देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलस और ब्लड एंड टिश्यू, तो एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होगा हमारा कहाँ का होगा, एल्वियोलस ब्लड और टिश्यू के बीच। एल्वियोलस, एक एल्वियोलाई को एल्वियोलस बोलते हैं, ब्लड एंड जो हमारी बॉडी टिश्यू है उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमें देखने को मिलेगा। तो एयर रिच इन ओ टू एल्वियोलस में आएगी, ब्लड में जाएगी ब्लड वेसल्स की हेल्प से, फिर ऑक्सीजन बाइंड करती है हमारी हीमोग्लोबिन के साथ आरबीसीज के अंदर, फिर वहां से ऑक्सीजन चली जाएगी हमारे टिश्यूज में, वहां पे जाके वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा और CO2 की प्रोडक्शन होगी वापस हमारे टिश्यूज के। उल्टा क्या होगा, टिश्यूज में क्या देखने को मिलेगा कि जो CO2 है वो टिश्यूज से वापस जाएगी आपके ब्लड में, ठीक है, डिजोल्व हो जाएगी, और नॉस्ट्रल्स के थ्रू और सॉरी ब्लड वेसल्स के थ्रू ही कहाँ चली जाएगी, एल्वियोलर सैक में चली जाएगी, एल्वियोलर सैक में चली जाएगी, और यहाँ पे वापस से नॉस्ट्रल्स के थ्रू बाहर भेज दी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसके बारे में आपसे डिस्कशन करनी है, उसको आराम से देख लीजिए। दिस इज व्हाट यू नीड टू चेक। चलिए आगे देख लेते हैं, दिस वॉज द पार्ट जो कि हमें कवर करना था। तो हमने क्या क्या कवर कराया आज की क्लास में एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या फर्क है, ठीक है, यहाँ से हमने क्वेश्चन देख लिया। उसके बाद जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। एनर्जी प्रोडक्शन देखी हमने, ठीक है, एनर्जी फॉर्मेशन कहाँ का हो रही है, 3 केसेस में देखा हमने, कौन कौन से केसेस थे, एक बार लैक ऑफ ऑक्सीजन में देखा, एक बार एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में देखा, ठीक है, और एक बार प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा ATP मेरी कहाँ बन रही थी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, 30 ATP अराउंड हमारी फॉर्म हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के। उसके बाद हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखा, ठीक है, तो ये सारे की नोट्स थे जो हमने कवर करे हैं अपनी आज की क्लास में, ये सारी रिविजन हमने करी है। आप चाहते हो कि मैम इसकी डिटेल वीडियोस भी बनाइए, बहुत डिटेल में हमें पढ़ाइए, तो वो भी मैं बना सकती हूँ, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट मैम प्लीज मेक द डिटेल वीडियोस फॉर दिस, तो मैं वो भी लेकर आऊंगी आपके लिए। बट अभी क्योंकि हमारे बोर्ड्स पास आने वाले हैं, प्री बोर्ड्स आपके आने वाले हैं, तो आई एम फोकसिंग ऑन योर क्विक रिविजन वीडियोज विद द हेल्प ऑफ योर CBSE सपोर्ट मटीरियल्स, माई ओन नोट्स, पिक्चर्स। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, इसको रिवाइज करते रहिए।